मानुष फिल्म सर देखी आपने? जी सर मैंने थोड़ी देर पहले देखी, मेरे को बहुत ही कमाल की लगी, बहुत ही शानदार स्टोरी लाइन तो एक नंबर की है यार। मान गया यार चेंगीज, मतलब चेंगीज कह रहा हूँ कि जीत को चेंगीज फिल्म देखने के देने के बाद ये मास्टरपीस अगली दे दी यार भाई। बहुत ही स्टोरी लाइन एक नंबर की है और इसमें जो सुष्मिता चटर्जी है उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। मतलब बंगाली इंडस्ट्री भाई नेक्स्ट लेवल जा रही है, चाहे चेंगीज हो चाहे बाघा जतीन हो, मतलब बंगाली इंडस्ट्री से बेहतर कॉन्टेंट आ रहे हैं। और ये जो मानुष आ चुकी है तो भाई जी फाड़ है, मतलब बहुत ही शानदार फिल्म सर, दिल खुश हो गया। और इनकी लव स्टोरी और जो एक्शन है टोटली गूस बम्स दे रहा है, मतलब कहीं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सिंघम या इस लेवल की कोई फिल्म देख रहा हूँ। मतलब बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं होती, मतलब जो एक छाप छोड़ देती है, तो उस लेवल की ये फिल्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा बॉलीवुड आज नहीं तो कल इस फिल्म का रीमेक गारंटेड बना लेगा, क्योंकि इस फिल्म का BGM हो या स्टोरी लाइन हो, हर एक चीज़ परफेक्ट है। आप अगर थिएटर के अंदर का सीन देखते हो तो आपको पता लगता है कि क्या चल रहा है, मतलब टोटली मतलब बहुत ज़्यादा हाउसफुल चल रहा है सर। और इसकी हिंदी डबिंग जो थी तो इसमें हमें उन्हीं की आवाज़ सुनने को मिली है, जीत की ही, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलते हैं, मतलब फुल पैसा वसूल लगा यार मेरे को, मतलब हर तरह से दिल खुश हो गया, बहुत ही शानदार। और जो एक विलन है, मतलब विलन का मेरे को नाम नहीं पता, वो बंगाली इंडस्ट्री के आर्टिस्ट है, लेकिन उनकी एक्टिंग भी भाई नेचुरल है यार, मतलब मेरे हिसाब से दिल जीत लिया यार फिल्म ने, मतलब टोटली गूस बम्स आ गए कसम से, फुल पैसा वसूल है। और मेरे हिसाब से बॉलीवुड वालों को कहीं ना कहीं इन्होंने मुंह मार दिया, क्योंकि बॉलीवुड वाले अच्छे कॉन्टेंट नहीं ला रहे हैं। हालांकि कल मैंने देखा था एनिमल का ट्रेलर, तो वो मास्टरपीस हो सकते हैं, लेकिन अभी इन दोनों जिस हिसाब से बंगाली इंडस्ट्री टॉप पे जा रहे हैं ना, वो भाई बहुत ज्यादा शानदार है सर। इस फिल्म को 5 स्टार देंगे? मैं इसको दूंगा सर 5 में से 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।